Hello everyone, we have learnt about the basic shapes. Now today we will be learning number of sides and corners of these shapes. Okay, so let us revise these shapes first. पहले इन shapes का नाम एक बार revise कर लेते हैं. This is a square, a triangle, a rectangle and a circle. Now let us see how to find out the number of sides and corners. तो number of sides पता करने के लिए क्या करते हैं हम? नंबर ऑफ साइड्स पता करने के लिए द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट फॉर्म द फिगर विल टेल यू द नंबर ऑफ साइड्स. जितने स्ट्रेट लाइंस मिल करके उस फिगर को बनाते हैं वो बताते हैं हमको नंबर ऑफ साइड्स. और जहां पर दो स्ट्रेट लाइन आकर मिलते हैं वो क्या बनाता है? हमारा कॉर्नर. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद स्क्वायर. अगर हम स्क्वायर की बात करें तो यहाँ देखिए, आई ट्राई टू मेक अ स्क्वायर विद दीज आइसक्रीम स्टिक्स आई एम गोइंग टू यूज. सी, सो वी विल जॉइन दीज आइसक्रीम स्टिक्स टू मेक अ स्क्वायर. तो यहाँ पे देखिए कैसा शेप बन गया, ये एक स्क्वायर का शेप बन गया. सो हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर? लेट अस काउंट, 1, 2, 3 एंड 4. और कहाँ कहाँ पे ये दो स्ट्रेट लाइन्स ज्वाइन हुए थे? यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, 1, यहाँ पे 2, 3 एंड 4. तो सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए स्क्वायर के हमारे? 1, 2, 3 एंड 4. और अगर आपको फिगर दिया है एंड यू हैव टू काउंट, हाउ यू विल काउंट? कैसे काउंट करेंगे हम? वी विल राइट एस फॉर साइड्स, 1, 2, 3 एंड 4. तो नंबर ऑफ साइड्स इन अ स्क्वायर विल बी 4. और अगर हम बात करें नंबर ऑफ कॉर्नर्स की, तो कॉर्नर्स को हम डिनोट करेंगे सी से. तो कितने कॉर्नर्स हैं यहाँ पे? ये देखिए, यहाँ पे ये और ये साइड मिलकर कॉर्नर बना रहा है, तो कॉर्नर को हम डिनोट करेंगे सी से. 1, 2, 3 एंड 4. सो हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन अ स्क्वायर? इट इज 4. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? नाउ लेट अस मूव टू ट्राइंगल. तो ट्राइंगल बनाने के लिए हाउ मेनी स्टिक्स वी हैव यूज्ड? देखिए पहले कितने स्टिक्स यूज किए हैं हमने. वी हैव यूज्ड 3 स्टिक्स है. सो कितने लाइंस हैं, कितने स्ट्रेट लाइंस हैं इस फिगर में? देखिए 1, 2 एंड 3. सो द नंबर ऑफ साइड्स इन अ ट्राइंगल विल बी 3. और नंबर ऑफ साइड्स कैसे काउंट करेंगे हम? 1, 2 एंड 3. सो द नंबर ऑफ साइड्स इन अ ट्राइंगल विल बी 3. एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स विल बी, यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन आकर कॉर्नर बना रहा है, सो इट इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. सो द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन अ ट्राइंगल विल बी 3. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में आपको पता है जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं, है ना? तो हम कैसे बनाएंगे एक रेक्टेंगल को? ये देखिए, दिस इज अ रेक्टेंगल. सो हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर इन द रेक्टेंगल? लेट अस सी कितने स्ट्रेट लाइंस हो गए. 1, 2, 3 एंड 4. तो 4 स्ट्रेट लाइंस है. लेट अस काउंट फ्रॉम द फिगर ऑल्सो. फिगर से भी काउंट करते हैं. ये वाला साइड को हम गिनेंगे, 1, दिस 1, 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. तो एक रेक्टेंगल में कितने साइड्स हो गए? 4. नाउ लेट अस काउंट द कॉर्नर्स. कॉर्नर्स कैसे काउंट करेंगे हम? स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. तो कितने कॉर्नर्स हो गए रेक्टेंगल में? 4. इजी, आपको सिंपली लाइंस काउंट करना है फॉर साइड्स, और कॉर्नर जहां पे ये दोनों लाइंस आकर मिल रहे हैं उससे आपको कॉर्नर काउंट कर लेना है. नाउ द लास्ट वन इज सर्कल. तो इज इट पॉसिबल टू मेक अ सर्कल यूजिंग दीज स्टिक्स? क्या हम इन स्टिक्स को यूज करके सर्कल बना सकते हैं? No, it is not possible. It means circle doesn't have any straight line. इसका मतलब सर्कल में कोई स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं है. सर्कल इज एक्चुअली वन कर्व्ड लाइन.
तो हम नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ कॉर्नर सर्कल का कैसे बताएंगे? अ सर्कल डजंट हैव एनी साइड और एनी कॉर्नर, क्योंकि इसमें एक भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसीलिए नंबर ऑफ साइड्स विल बी जीरो। और अगर स्ट्रेट लाइन ही नहीं है तो फिर कॉर्नर कहां से बनेगा, इसीलिए नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज ऑल्सो जीरो। सो डियर चिल्ड्रन, यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड नाउ, दीज आर द फिगर्स एंड दीज आर द नंबर ऑफ साइड्स एंड कॉर्नर्स। तो कभी भी साइड्स निकालना है आपको, आप उसमें कितने स्ट्रेट लाइन है इसको काउंट कर लेंगे, और किसी भी फिगर में जहां पे दो स्ट्रेट लाइन आकर मिले, दैट विल मेक देयर कॉर्नर्स। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट नाउ। थैंक यू।